आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। अलर्ट के बीच शिमला, सोलन सहित कई अन्य भागों में झमाझम बारिश, भूस्खलन से 75 सड़कें बाधित। सीएम सुक्खू बोले, तय बाजारियों की समस्या के समाधान के लिए बनेगी मंत्रिमंडलीय उप समिति। हिमाचल में 92,364 घर बनाने के लिए केंद्र की मंजूरी, लाभार्थी को मिलेगी 1.5 लाख की मदद। डीजीपी अतुल वर्मा बोले, संजौली मस्जिद विवाद में विदेशी लोगों का कोई हाथ नहीं। हिमाचल परफ की मुख्य परीक्षा से पहले स्कूलों में होंगे 3 मॉक टेस्ट, शिक्षा विभाग ने की पहल। हिमफेड ने कमाई के तोड़े रिकॉर्ड, व्यवसायिक घराने छोड़े पीछे, 1 करोड़ की संपत्ति पर सालाना 35 लाख लाभ। हिमाचल में टीजीटी के 1239, एलटी के 238 और कला शिक्षकों के 686 पद खाली, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। जोर का झटका, हिमाचल में महंगी होगी बिजली, प्रति यूनिट चुकाना होगा दूध और पर्यावरण उपकर। जयराम बोले, पेंशन मोदी ने नहीं रोकी, सीएम का पलटवार, प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया। मंगलवार को कई जगह बारिश का येलो अलर्ट, अभी तक इतनी सड़कें और बिजली ट्रांसफार्मर ठप।